रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आईपीएल इतिहास की सबसे अनलकी टीम, एक ऐसी टीम जिसकी फैन फॉलोइंग दुनिया में तकरीबन सबसे ज्यादा है और आरसीबी के फैंस दुनिया के हर कोने और हर देश में मिलते हैं। यहां तक कि इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेलने वाले देशों में भी आरसीबी के फैंस हैं। फैन फॉलोइंग के मामले में आरसीबी दुनिया की किसी भी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज से कम नहीं है, लेकिन जितनी पॉपुलर ये आरसीबी टीम है उस हिसाब से इसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का आईपीएल में सफर बेहद नाटकीय रहा है। आईपीएल के पहले एडिशन यानी 2008 में वो सातवें नंबर पर रही, 2009 में वो दमदार प्रदर्शन के बदौलत दूसरे स्थान पर रही, हालांकि 2010 में उसने अच्छा प्रदर्शन जरूर किया लेकिन तीसरे स्थान पर रही। 2011 में आरसीबी फाइनल तक पहुंची लेकिन जीत नहीं सकी और दूसरे स्थान पर रही। वहीं 2012 में वो पांचवें स्थान पर थी। इसके बाद अगला साल उसका प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप रहा और विराट कोहली के नेतृत्व में अंक तालिका में आखिरी यानी आठवें स्थान पर रही। अगर बात करें 2014 की तो इस साल भी आरसीबी की स्थिति नहीं सुधरी और वो सातवें स्थान पर रही। 2015 में कोहली के नेतृत्व वाली आरसीबी ने अपना प्रदर्शन सुधारा और तीसरे स्थान पर रही। वहीं 2016 में कोहली की सेना खिताब से एक कदम से चूकी और दूसरे स्थान पर रही। 2017 में फिर से आरसीबी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा और अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रही। 2018 और 19 में भी यह टीम अपने खिताबों से कोसों दूर थी और इसी तरह साल दर साल आरसीबी का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है और वो ट्रॉफी को छू भी नहीं पाई है। और काफी सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम प्लेऑफ तक तो पहुंची लेकिन खिताब से दूर रह गई। नए कप्तान फैब डुप्लेसिस के नेतृत्व में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम प्लेऑफ में पहुंची, हालांकि वो फाइनल से एक कदम दूर रह गई। वहीं एलिमिनेटर में लखनऊ सुपर जायंट्स को हराने के बाद वो दूसरे क्वालिफायर मैच में राजस्थान से हारकर बाहर हो गई। आरसीबी की पॉपुलैरिटी का मेन रीजन है विराट कोहली। विराट का ऑरा और उनकी पर्सनैलिटी अपने आप में सबसे अलग है। विराट का गेम के लिए डेडिकेशन भी कमाल का है। आरसीबी की टीम फैन सपोर्ट के मामले में जितनी लकी है, आईपीएल जीतने के मामले में उतनी ही अनलकी है। और लगभग हर आरसीबी फैन पिछले 15 सालों से आईपीएल ट्रॉफी को जीतने के इंतजार में है और आरसीबी फैंस को पेशेंट रखने के लिए भी जाना जाता है। और अगर इस बार की आरसीबी की टीम की बात करें तो रजत पाटीदार के ना होने से आरसीबी की बैटिंग लाइनअप कमजोर जरूर हुई है, क्योंकि रजत ने पिछले आईपीएल में शानदार खेल दिखाया था। आरसीबी के पास टॉप टीम में दुनिया के बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन उसके बाद कहानी काफी अलग है और कोई बड़ा नाम मिडिल या लोअर ऑर्डर में नहीं है। दिनेश कार्तिक भी उस फॉर्म में नहीं है और लगभग सारे नए चेहरे टीम में हैं। जिन मैचों में टॉप टीम में से कोई बैट्समैन चलता है वहां तो ठीक है, वरना आरसीबी के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। और हम आरसीबी फैंस के बिहाफ पे यही चाहते हैं कि इस बार तो आरसीबी ट्रॉफी जरूर उठाए, हालांकि ये आसान नहीं होगा और इसके लिए आरसीबी को भरपूर जोर लगाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आरसीबी एक होकर और टीम वर्क से खेली तो शायद इस बार वो जीत सकती है, हालांकि इतना आसान भी नहीं होगा। विशिंग टीम आरसीबी अ गुड लक एंड फैंस आल्सो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।